हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विशिवी 888। गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। गाइस, एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइज, ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब आपसे ये रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी जोडिक साइन के लिए है, तो आपका जो भी जोडिक साइन हो ये रीडिंग भी आपसे मैच जरूर करेगी। गाइज, ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्ट करेंगे गाइज आपकी रीडिंग को, देखने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जीज। ओके, फोकस करिए अपने पर्सन की एनर्जीज पे। ओके, पहली एनर्जी गाइस सौरो की आई है, ठीक है। पहली एनर्जी पेन की आई है यहां पर आपके पर्सन की। ये न्यू मून का असर हो सकता है आपके पर्सन की एनर्जीज पे, ठीक है। यहाँ पर मैसेज आ रहा है गाइस कि आपका जो पर्सन है काफी मुझे आज के दिन में उदास नजर आ रहे हैं, ठीक है। इनका जो मुंह लटका हुआ था आज के दिन में, मतलब हो सकता है कि आज के दिन में ज्यादा किसी से बातचीत भी इस पर्सन ने ना की हो और किसी से मन भी ना हो बातचीत करने का, ठीक है। हैवीनेस भी लग सकती है, ठीक है, इस पर्सन को। एंड हो सकता है आप इस पर्सन की एनर्जी पिक करें तो आपको भी थोड़ी हैवीनेस लग सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी है। दूसरा, यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है आपकी पर्सन आज के दिन में बहुत ज्यादा जो यहाँ पर मतलब बहुत ज्यादा इस पर्सन को जो पेन दे रहा है वो है एक आपके संग जुड़ाव, ठीक है। आपके साथ एक स्ट्रांग कनेक्शन आज के दिन में इस पर्सन को बहुत पेन दे रहा है। मतलब मैसेज ये आ रहा है कि एक बहुत ज्यादा याद आना, मतलब किसी की ऐसी याद आना कि आपको कंट्रोल ना होना, ऐसा मैसेज मिल रहा है, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन को इस वक्त में आपकी काफी सारी एनर्जी की नीड हो, ठीक है, और बहुत ज्यादा इनको आपकी याद आ रही हो, बट आप दोनों के बीच में इस लेवल का यहाँ पर टकराव चल रहा है या ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि चाहकर भी कांटेक्ट कर नहीं सकते, ठीक है। ऐसी कुछ लोगों की एनर्जी हो सकती है यहाँ पर कि आपके पर्सन चाहकर भी आपको कांटेक्ट नहीं कर सकता है। ये पर्सन आपको लेकर आज के दिन में ये भी सोच रहे हैं कि बार बार आपको और कितना हर्ट करूं मैं, ठीक है। ये आपके पर्सन आज के दिन में आपको लेकर सोच रहे हैं कि और बार बार मैं आपको कितना हर्ट करूं, ठीक है। जब मेरा मन होता है मैं एनर्जी लेने आ जाता हूं या आ जाती हूं, ठीक है। और मतलब कोई मतलब किसी सामने वाले व्यक्ति का दिल है कोई खिलौना तो है नहीं, कि जब मन में आया आपने अपने हिसाब से खेल लिया उसके साथ। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को इस चीज का बड़ा ही मलाल अपने मन में है कि बार बार मैं ऐसा करता हूं या करती हूं, जो कि बहुत ही ज्यादा घटिया हरकत है, ठीक है। खुद में ही मलाल होना, खुद में ही रिग्रेट फील होना, खुद में ही एक गिल्ट वाली एनर्जी यहां पर लग रही है। लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं इस चीज के आदी है आई थिंक, ठीक है। ये वाला भी मैसेज मिल रहा है कि मतलब ये चीज ये पर्सन छोड़ नहीं पाते हैं, या फिर इनको जब कुछ समझ में नहीं आता तो आखिरी सहारा आप नजर आते हो, ठीक है। ये वाली एनर्जी यहां पर निकल कर आई है। तो ये कितना भी कुछ भी क्यों ना हो, ये कहीं ना कहीं आपको अंत में पुकार ही लेते हैं, ये वाला मैसेज यहाँ पर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मलाल भी है इस पर्सन के मन में कि ये बार बार ऐसी हरकत करते हैं जिसकी वजह से इन्होंने आपको कई बार हर्ट किया है। और आज भी ये पर्सन ये सोच रहे थे कि अगर कॉल मैसेज करता हूँ या करती हूँ तो दोबारा से हर्ट ही करूंगा या करूंगी, ठीक है। ये वाली एनर्जी है, मतलब हर्ट करूंगा या करूंगी, मतलब कि आप फिर से यहाँ से कुछ ना कुछ इस पर्सन से बोलेंगे एंड फिर ये पर्सन आपको हर्ट कर देंगे। तो मतलब इनके मन में ये है कि आपको कॉल मैसेज करने का मतलब है कि आपके दिमाग की शांति को भंग कर देना, ऐसा ये पर्सन आज के दिन में सोच रहे हैं आपको लेकर। यहाँ पर एनर्जी है गाइस, यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग एक एनर्जी निकल कर आई है। ये आपको एक ऐसे डॉक्टर की तरह देखते हैं, ठीक है, मतलब एक ऐसा डॉक्टर जो आपके
फैमिली डॉक्टर नहीं होते, उनकी तरह ये पर्सन आपको देखते हैं कहीं ना कहीं कि किसी भी टाइम आप अवेलेबल हैं, ठीक है, या फिर किसी भी टाइम आपके पास आ जाते हैं और इनका इलाज हो जाता है, ये वाली एनर्जी है. बट दिस टाइम मुझे ऐसा लगता है कि बहुत स्ट्रांग इस पर्सन की लाइफ में जो हिट कर रहा है इनको इस न्यू मून पर स्ट्रांगली, इस पर्सन को अंदर से ही गिल्ट महसूस कराया जा रहा है ईश्वर के द्वारा कि आप खुद के अंदर झांको कि आप ये क्या करते हो, और अगर कोई ये चीज आपके साथ करे तो आपको कैसा फील होगा. ठीक है, ये वाला मैसेज आ रहा है कि मतलब जब आपको जरूरत होती है तब आप सामने वाले इंसान को इंसान के पास पहुंच जाते हैं, आपके मन में उसके लिए कोई भी फीलिंग्स क्यों ना हो, बट ये एक सेल्फिश बिहेवियर है और आप ऐसा सेल्फिश बिहेवियर देते हैं तो इस पर्सन को ही कहीं ना कहीं गिल्ट आ रहा है. मतलब जब आपके अंदर कोई चीज भरी होती है ना तो यूनिवर्स जब उस चीज को मिरर कराते हैं, ट्रिगर करते हैं, तो वो चीज सरफेस पर आती है, और वो चीज जब सरफेस पर आती है तो आपको उस चीज के साथ डील करके उसे रिलीज करना होता है. तो यहां पर जो स्टॉर्म इस बार सरफेस हो रहा है वो है गिल्ट. ठीक है, जो दिल में गिल्ट भरा हुआ है ना आपके साथ गलत करने का या फिर आपके साथ अपना ही मनमौजी बिहेवियर देने का, वो यहां पर सरफेस हो रहा है आपके पर्सन की एनर्जीज में, जो स्ट्रांगली इस पर्सन को बहुत ही ज्यादा पेन दे रहा है. मतलब कि पेन यानी कि यहाँ पर गिल्ट की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है कि अपने मन में ही ये शर्मिंदगी को महसूस कर रहे हैं कि मैं हमेशा ही एक ऐसे इंसान को क्यों टारगेट करता हूँ जो जिसने मेरा कभी बुरा नहीं चाहा, जिसने मेरा कभी बुरा नहीं किया, उसको मैंने कभी 2 पल की खुशी नहीं दी, और जब देखो तब मैं उसको दुखी करके आ जाता हूँ या आ जाती हूँ. ये वाली एनर्जी है आपके आपके पर्सन की आज के दिन में. ठीक है, आज के दिन में गाइज इस पर्सन का सिर्फ दिल और दिल और दिल ही बोल रहा था. मुझे लगता है आज के दिन में ये पर्सन रोए हो सकते हैं, किसी चीज को पकड़कर रोए हो सकते हैं, ये भी यहाँ पर मैसेज है. आपकी कोई चीज हो सकती है, आपका कोई गिफ्ट हो सकता है, या फिर इनकी कोई ऐसी चीज हो सकती है, ऐसा कोई गिफ्ट जो ये आपको देना चाहते हैं या जो भी है यहाँ पर. मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कोई किसी चीज को पकड़ के गले लगाकर बहुत ज्यादा रोया है आज के दिन में, ये वाली एनर्जी है. एंड मुझे यहाँ पर हार्ट्स ही हार्ट्स नजर आ रहे हैं, तो कोई दिल से रोया है, ये वाली एनर्जी भी है. यहाँ पर मुझे मैन होल्डिंग अ हार्ट की भी एनर्जी आ रही है. ठीक है, मैन होल्डिंग अ हार्ट. ठीक है, तो यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है आपके पर्सन का कि सच बता रहा हूँ या सच बता रही हूँ, मेरे दिल में कभी कोई नहीं था. ठीक है, ये कन्फेशन है, कन्फेशन की तरह भी ले सकते हैं आप इस पर्सन के, कि सच बता रहा हूँ, सच बता रही हूँ, कोई भी कभी नहीं था मेरे दिल में. ठीक है, हमेशा से तुम ही थे. ठीक है, लेकिन मेरी हरकतें गलत रही हैं, उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, या फिर मैं बस पछताने के अलावा कुछ नहीं कर सकता. मुझे नहीं पता था उस टाइम कि इस तरीके की चीजें करने से इतना खराब रिजल्ट मिलेगा, लेकिन सच बता रहा हूँ, दिल में कभी कोई नहीं था, कभी कोई नहीं थी, ये वाली एनर्जी है यहाँ पे. यहाँ पर ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं आज के दिन में कि इन्होंने इस तरह से बार बार आपके दिल के साथ जो खेला है, कहीं ना कहीं इसी की वजह से आज इनके इनके खुद के दिल का कहीं ना कहीं बुरा, बहुत बुरा हाल हो रखा है. ठीक है, यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी है गाइस. ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये रेजोनेट करेगा. ठीक है कि देखिए क्या होता है ना कि आप दो लोग हैं सामने. ठीक है, एक इंसान कुछ गलत कर रहा है, ठीक है, और दूसरा इंसान उसको खोना नहीं चाहता, तो वो यहाँ से उस पर्सन से रिक्वेस्ट करता है कि आगे से एक बार माफ करके, कि आगे से आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिएगा. ठीक है, तो वो पहले वाला इंसान बोल देता है कि ठीक है मैं नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, वो माफ कर देता है, वो माफी ले लेता है. दूसरी बार फिर वो वही चीज करता है, तो वो जो जो इंसान है वो कहीं ना कहीं इस बार बहुत गंदा फटता है और आपसे कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया जब आपको मना किया था. ठीक है, लेकिन वो इंसान कहता है कि अरे गलती होगी, अब नहीं करूंगा. ठीक है, ऐसे ऐसे करके जब आपको वो इस लेवल तक लेकर आ जाता है कि आप कुछ गलत बोलने पर मजबूर हो जाते हैं या फिर आप कुछ गलत करने पर मजबूर हो जाते हैं, ये उसके बाद वो इंसान बोल देता है कि देखो तुमने मुझसे कितना गलत बोला, तुमने मेरे साथ कितना गलत कर दिया, ठीक है, तुमने मेरे को क्या क्या कह दिया. मतलब एक ऐसी एनर्जी कि अपनी गलती को
इस लेवल तक गलत कर देना या फिर इस लेवल तक लेकर चले जाना कि सामने वाला रिएक्ट करने पर मजबूर हो जाए और बहुत गंदा रिएक्ट करने पर मजबूर हो जाए, और बाद में सारी चीज का ब्लेम उसी के ऊपर डाल देना कि तुमने तो इतना गलत रिएक्ट किया मेरे साथ, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी है, और कई बार मुझे लगता है ये आपके साथ हुआ हो सकता है, जैसे कोई आप ही को गिल्ट में डाल देता है। मतलब मैसेज ये आ रहा है कि लड़ाई हुई आपकी इस पर्सन के साथ, ठीक है, बाद में ऐसा हो जाता है कि इस पर्सन की गलती छोटी दिखती है और आपकी गलती ज्यादा बड़ी दिख जाती है, यानी कि आपका बिहेवियर बहुत ज्यादा गलत दिख जाता है, आपका जो बातचीत है वो बहुत गलत दिख जाती है, या आपका जो बिहेवियर और रिएक्ट करने का तरीका है वो गलत दिख जाता है, तो कहीं ना कहीं एंड में आप ही गिल्ट में चले जाते हैं कि ये मैंने क्या कर दिया, ठीक है। तो ये कई बार इस पर्सन ने आपके साथ किया हो सकता है कि पूरा जो गिल्ट है, पूरा जो दिल का भार है वो आप ही के ऊपर रख दिया, और आप ही को ऐसा महसूस करा दिया कि सारी गलती तो आप ही की थी, आप ही इस तरीके से रिएक्ट कर रहे थे जबकि ये इतनी बड़ी कोई बात नहीं थी। मतलब इस तरीके का मैसेज आ रहा है कि ये इन गलतियों को अपनी याद कर रहे थे कि मैं सामने वाले को इस लेवल का मजबूर कर देता हूँ कि वो इस लेवल का रिएक्ट करे, ठीक है। ये आपके पर्सन ने किया हो सकता है यहाँ पर, जैसे कोई आपको छोटे छोटे तरीके से स्विच बो रहा है, ठीक है, बार 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 बार, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप बहुत गुस्से में चिल्लाओगे कि ये क्या हरकत है, ठीक है। ये आपके पर्सन आज में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि इन्होंने प्यार प्यार बोलकर आपको बहुत गंदा घायल कर रखा है, ये भी आज के दिन में ये पर्सन सोच रहे थे। मतलब ये बोलकर कि मैं तो बहुत चाहता हूँ या चाहती हूँ, आपको इस पर्सन ने प्यार के नाम पर मतलब बिल्कुल घायल करके रखा है, या फिर पूरा जैसे कहते हैं ना कि बर्बाद कर देना, ठीक है, वो वाली एनर्जी है। कुछ लोगों के पार्टनर ने किया भी हो सकता है कि प्यार के नाम पर आपको बिल्कुल ऐसे फील करा दिया हो कि आप कहीं के नहीं बचे, ठीक है, यानी कि आप पूरी तरीके से जीरो पर आ गए अपनी एनर्जीज के मामले में, चाहे करियर हो चाहे जो भी हो आपकी लाइफ में। तो ये भी ये पर्सन सोच रहे थे कि ये सही चीज नहीं है, ठीक है। अगर ये पर्सन इस पर्सन ने ये चीज फन में भी की है, या फिर इमेच्योरिटी में भी की है, या फिर जस्ट एक वो प्लेयर की एनर्जी में भी की है, तो भी गलत की है, ऐसा ये पार्टनर आज के दिन में स्ट्रांगली मान रहे थे। और यहां पर आज के दिन में स्ट्रांगली गिल्ट की एनर्जी निकल कर आई है। मुझे पता नहीं क्यों एक हार्ट के नीचे दबा हुआ इंसान नजर आ रहा है बार बार। जैसे पर्सन सोच रहे थे कि इन्होंने अपने इस जो दिल का भार है, या फिर ये बोल सकते हैं कि आपके दिल के साथ स्ट्रांगली खेला हुआ है कि आप पूरी तरीके से उस प्यार के नाम पर अपने आप को खो चुके हैं या भूल चुके हैं, या फिर पूरी तरीके से दब चुके हैं उसके नीचे, ठीक है, एक तरीके से बर्बादी हो जाना, ठीक है, एक तरीके से मतलब ये हो जाना कि लाइफ में सब खत्म सा है, ठीक है। ये एनर्जी इसके मामले में बात करी, बिल्कुल शून्य पे चले जाना, ये वाली एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई। ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं, कुछ लोगों के पार्टनर ने ऐसा किया हो सकता है आपके साथ कि आपको मेंटली टॉर्चर किया हो सकता है, या फिर इमोशनली टॉर्चर किया हो सकता है, या फिर आपने फाइनेंशियली भी बहुत सफर किया हो सकता है इस पर्सन की वजह से। तो मतलब तीनों तरीके से ही तोड़ देना, ठीक है। तो और देखते हैं हम क्या कार्ड से निकल कर आता है। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करेंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या हैं। ओके, इस पर्सन की एनर्जीज बता देती हूँ मैं आपको, ठीक है, बड़ी ही सेल्फिश एनर्जी निकल कर आई, लेकिन बता देती हूँ गाइज। देखिए, आप में से काफी सारे लोगों के पार्टनर आज के दिन में उनकी तरफ बहुत तेजी से आ सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड वे में आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड वे में आपको कुछ बोल सकते हैं, लेकिन इस पर्सन का आने का एक जो कारण होगा, सीधा सीधा कारण होगा सिर्फ और सिर्फ हीलिंग। टेम्परेंस कार्ड बात कर रहा है हीलिंग के लिए, टेम्परेंस बात कर रहा है बैलेंस होने के लिए। मतलब आप ऐसे सोचोगे ये पर्सन ने इतने दिन बाद कैसे कांटेक्ट कर लिया, आप खुश हो जाओगे, लेकिन इस पर्सन के इंटेंशंस में मुझे सिर्फ और सिर्फ हीलिंग नजर आ रही है,
क्योंकि जैसे ही आप इस पर्सन से कहेंगे कि ठीक है आपने इनको हील किया, जैसे ही आप बोलेंगे कि चलिए अब इस कनेक्शन पर काम करते हैं, ये दोबारा दौड़ लगाएंगे। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर मुझे एक परमानेंट वाइब आ नहीं रही है। जब भी मैं बोलती हूँ कि आपकी पर्सन जब तक स्टेबल नहीं है, जब तक इस एनर्जी में नहीं है कि हाँ वो एक मैच्योर डिसीजन ले सके या स्टेबिलिटी में हो, तब तक वो यहाँ पर आते तो हैं आपकी तरफ, लेकिन ट्रिगर देने के लिए आते हैं और भाग जाते हैं, मतलब कमिट नहीं करेंगे। ठीक है, कमिट इंसान तभी करता है जब उसकी एनर्जी स्टेबल होती है या फिर वो पूरी तरीके से अपने माइंड में क्लियर हो चुका होता है। यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टेम्परेंस कार्ड, ये दोनों ही कार्ड्स बात कर रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़ेंगे। हो सकता है आपको बहुत स्पीड में इस पर्सन का मैसेज आ जाए, कॉल आ जाए, बातचीत हो जाए, ठीक है, और बहुत मीठी मीठी आपसे बात कर लें, लेकिन हीलिंग के लिए, सिर्फ और सिर्फ हीलिंग के लिए। और जब भी आप जब इनसे आप काम करने के लिए बोलेंगे, ठीक है, इस कनेक्शन पर बात करने के लिए, काम करने के लिए बोलेंगे, आप बनाने के बारे में बोलेंगे, देन सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स बात कर रहा है कि दोबारा से भाग जाएगा ये पार्टनर। ठीक है, यानी कि आए, आपने इनसे बोला कमिटमेंट दीजिए, तो हो सकता है कि ये रन करें आपसे, क्योंकि यहाँ पर एम्परर का कार्ड है। ठीक है, अभी भी इस पर्सन के माइंड में आप देख सकते हैं एम्परर के माइंड में क्या चल रहा है, इतनी सारी द्वंद्व चल रहे हैं। ठीक है, इतने सारे द्वंद्व का मतलब है ये बहुत सारे लोग दिख रहे हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि लड़ाई चल रही है आपके पर्सन के माइंड के अंदर। ठीक है, अभी ये जो एम्परर का माइंड है, ठीक है, इसकी चुप्पी अभी टूटी नहीं है, क्योंकि ये अभी माइंड से पूरी तरीके से क्लियर हो नहीं पाया है। अभी भी कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ तो सोच ही रहा है अपने माइंड के अंदर। ठीक है, अभी भी अपनी चुप्पी तोड़ नहीं रहा है, अभी शांति में नहीं है ये इंसान। ठीक है, बेसिकली इस पर्सन का मन शांत नहीं है और अंदर से बड़ा ही पेन में है। ठीक है, बड़ा ही पेन में है। टेन ऑफ सॉर्ड्स, हो सकता है इस वक्त में काफी सारे लोग इस पर्सन को धोखेबाजी कर रहे हैं उसके साथ, या फिर उनको कोई हीलिंग नहीं दे रहा है, या फिर चारों तरफ से ट्रिगर ही मिल रहे हैं तो हर्ट फील हो रहा है, इसलिए सोचा कि चलो बढ़ते हैं। इसीलिए भी कहीं ना कहीं ये पर्सन आज के दिन में ऐसा सोच रहे थे कि जब भी हीलिंग लेनी होती है या फिर जब भी जरूरत पड़ती है तो मैं चला जाता हूँ, तो ये कैसा ही सेल्फिश बिहेवियर है। इस पर्सन को गिल्ट भी होता है इस चीज का। ठीक है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं हम। ये आपके पर्सन की एनर्जी निकल कर आ रही है। इतने क्लियर मैसेज है, देखिए यहाँ भी कार्ड है रेबेल का, मोरालिटी का और इनर वॉइस का। एग्जिस्टेंस का और प्लेफुलनेस का। अगेन कार्ड रिबेल का आया है। ठीक है, अभी भी आपके पर्सन का ईगो पूरी तरीके से मेल्ट नहीं हुआ है डियर। ठीक है, इस पर्सन को गिल्ट होता है। ठीक है, लेकिन जब तक इस पर्सन के माइंड में ये सब द्वंद चल रहा है, ठीक है, इसका मतलब है कि अभी भी आपके पर्सन माइंड से चीजें सोचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों के पार्टनर अभी थोड़ा सा ईगोस्टिक बिहेव कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज पूरी तरीके से स्टेबल नहीं हुई हैं। ठीक है, जैसे जैसे स्टेबल होती जाएंगी गाइज, वैसे वैसे आपका कनेक्शन ठीक होता जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आज की रीडिंग में जो निकल कर आया है, कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पर डेफिनेटली काफी पेन में हैं और पेन की एनर्जी के साथ आपकी तरफ आ सकते हैं। ठीक है, और आपके इंट्यूशन से आपको गाइड कर देंगे। यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है, इस पर्सन के इंट्यूशन को गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे लग रहा है कि कोई अपनी जिद को छोड़ना नहीं चाहता। कुछ लोगों के पार्टनर बड़े जिद्दी हैं। ठीक है, बड़ी ही जिद्दी मुझे यहाँ पर नजर आते हैं, समझदार होते हुए भी कहीं ना कहीं जैसे लग रहा है जिद्दी है। पेन होते हुए भी जिद्दी है, ऐसे ऐसी एनर्जी लग रही है। और देखते हैं हम चक्रा, देखते हैं इस वक्त में प्रेयर कर रहे हैं गाइस। ठीक है, यूनिवर्स से काफी प्रेयर कर रहे हैं आपके पर्सन, क्वेश्चंस पूछने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ को बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और बहुत ज्यादा अपनी लाइफ पर मेहनत कर रहे हैं, अपनी पे तो ये हमेशा ही मेहनत करते हैं, और डिवाइन से काफी सारे क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं। ये हमें प्रेयर और क्वेस्ट कार्ड दिखा रहे हैं कि ईश्वर से कनेक्शन बनाने की बहुत स्ट्रांग आपके पार्टनर कोशिश कर रहे हैं। यहाँ भी जजमेंट का कार्ड है। ठीक है, अभी हम ये बोल सकते हैं कि आज की जो रीडिंग निकल कर आई, इसमें से काफी सारे लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो अभी पूरी तरीके से
प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं आ पाए हैं, ठीक है, मतलब अभी भी प्योर एनर्जी में नहीं है, कुछ ना कुछ अभी भी उनके दिमाग में चल रहा है, और जब तक दिमाग में चलता रहेगा तब तक इसी तरीके से भागते रहेंगे, ठीक है। जब सारी इश्यूज पर काम कर लेंगे या फिर सारे इश्यूज रिलीज हो जाएंगे, तब यहाँ पर आपके पर्सन आपको दिखने को मिलेंगे उनका एक ओरिजिनल फॉर्म, ठीक है, एक ओरिजिनल रूप। तो गाइज ये चीजें यहाँ पर नजर आती हैं। अल्फाबेट्स लेते हैं क्या है आज के दिन में। जिम 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 GYM जिम। सो आपके पर्सन जिम लवर हो सकते हैं। सी WAVL नंबर है यहाँ पे, यहाँ पर आई है 4, 3, 2 और 6। यहाँ पर नंबर है 4, 3, 2, 6 GYM जिम आई, ठीक है, CWALAV, ठीक है, LAV लव, ठीक है, यहाँ पर LAV से हमें लव बन रहा है, ठीक है, और CWE, ओके, 2, 3, 4, 6 ये नंबर्स हैं। द साउंड ऑफ योर वॉइस इज पीसफुल। आपकी आवाज सुनना इस पर्सन को बड़ा पसंद है, शांति मिलती है आपकी आवाज से। यू नो मी बेटर देन आई नो माई सेल्फ, तुम मुझे मुझसे ज्यादा जानते हो। आई विल मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस वन डे, हम एक दूसरे के बीच, मैं एक दूसरे के, हम दोनों के बीच में, सॉरी, मैं एक दूसरे की, मैं हम दोनों के बीच में एक दिन सारी चीजों को ठीक कर दूंगा। आई वॉन्ट टू कम बैक बट आई एम स्केयर्ड, वापस आना चाहता हूं पर डर लगता है। बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए मुस्कुराते रहो। एक अनजान बनकर आए थे और जान बन गए हमारे, कितना भी खुश रहने की कोशिश कर लूं, जब भी तुम याद आते हो तो बहुत रुलाते हो। इफ यू आर नॉट हैप्पी आई विल बी योर स्माइल, अगर आप खुश नहीं है तो ये आपकी हंसी बनेंगे। यस, यहां पर कार्ड है, आई लव यू फॉर ऑल दैट यू आर, ऑल दैट यू हैव बीन एंड ऑल आर येट टू बी। एंड यहाँ पर मैसेज है, तुम्हारी याद भी मेरे चेहरे पर सुकून दे जाती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, यू आर एन अमेजिंग बिल्डर एंड नो हाउ टू पुट पीसेस टूगेदर। आप बहुत अच्छे बिल्डर हैं और आपको पता है कि चीजों को जोड़कर कैसे रखना है। ओके सो गाइज, ये आपकी रीडिंग, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई तो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज।